Radio.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। झारखंड मतलब जंगल, पहाड़ियाँ, चट्टानों के बीच से उन्मुक्त बहती नदियाँ, ऊंचाई से मनोरम छटा बिखेरते जलप्रपात और पक्षियों का कलरव, ये पहचान है इस राज्य की। वैसे तो यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, लेकिन इन दिनों रंगत बिखेर रहा है पतरातू के फुलवा कोचा का पलानी झरना। चट्टानों के बीच ऊंचाई से गिरता ये झरना जब नीचे झील से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे संगीत सुना रहा हो। किनारे पर पानी में पांव डालकर बैठ जाइए, झरने के गिरने से बनने वाली पानी की बूंदें चेहरे को सहलाने आ जाती हैं। झरने के पानी में मौजूद छोटी छोटी मछलियाँ पैरों में जब गुदगुदी करती है तो कमाल का सुकून मिलता है। आसपास मौजूद पेड़ और उसमें बैठे पंछी कलरव करते हैं तो लगता है जैसे सैकड़ों वीणा के तार एक साथ झंकृत हो उठे। आह, कितना मधुर संगीत है। साथ में वहाँ घूमने आए सैलानियों, खासकर बच्चों का शोर संगीत को दैवीय बना देता है, तो देर किस बात की है। शहर के शोर से परेशान है जिंदगी की आपाधापी, आपका सुकून निगल गई हो, एक अदद शांति की तलाश हो तो हो आइए ना पतरातू के फूलवा कोचा के इस पलानी झरने पर। यहाँ पानी का शोर आपको अंदर तक नहला देगा। इन दिनों रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ आते हैं तो कुछ दोस्तों के साथ। साथी के साथ आने वाले लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम दोगुना हो जाता है। यही तो खास बात है इस झरने की। यहाँ शांति है, सुकून है, प्रेम है, अभिलाषाएं हैं। इतना सुनने के बाद अब आपने यहाँ आने का मन तो बना ही लिया होगा, इसलिए बता देता हूँ कि फुलवा कोचा के पलानी झरने तक कैसे जाया जा सकता है। रांची से 40 किलोमीटर दूर है पतरातू। यहाँ पतरातू डैम से 5 किलोमीटर दूर है फुलवा कोचा का पलानी झरना। रांची से आप बाइक, कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पतरातू पहुँच सकते हैं और यहाँ से फुलवा कोचा का पलानी झरना। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ताजा अपडेट्स मिलते रहें इसके लिए प्रभात खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।